गुड मॉर्निंग। ओ आज का जी नाश्ता बन रहा है पराठा, और साथ ये जी रखा है ऑमलेट मिक्स वेजिटेबल्स, जो ऑमलेट होता है वो, लेकिन इसमें चीज़ जाएगी। तो पराठा तकरीबन जी ऑलमोस्ट हो गया रेडी, इसके बाद हम बनाएंगे ऑमलेट। मेरी बेटी ने कहा मामा चीज़ ऑमलेट वो कम खाती जी, बेटा फिर भी खाता है चीज़ ऑमलेट, वो कम खाती है। तो ये जी तकरीबन ऑलमोस्ट पराठा रेडी हो गया, बस कोनों पे थोड़ा सा मैं कर लूँ, बाकी रेडी हो गया। ये देखें वाइट कलर का पराठा, बच्चों का फेवरेट, बोलते नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मैंने हल्की आंच पे रखा है, और हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी, क्योंकि इसमें टमाटर है, प्याज है, और वेजिटेबल्स ऐसी हैं ना, धनिया की तो खैर होती है, ये थोड़ा सा इसका पकना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर टमाटर इसमें कच्चे रहेंगे तो हीक आएगी। तो बस ये पराठा बन चुका है, और हल्की सी आंच पे ये मैं इसको करूंगी ताकि अंदर से पक जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। तो चमचे आज का नाश्ता है चीज़ ऑमलेट और पराठा, और वो भी मेरी बेटी का। मैं इतने आपको पता है पराठे शौक से नहीं खाती, और वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं ना डाइटिंग पे आ जाऊँ, मुझे लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ चुका है, तो लिहाजा फिर मैं अब मुझे लगता है मैं डाइटिंग के चक्कर में पड़ने वाली हूँ। तो डाइटिंग में जी पराठे हो, ज़्यादा रोटी हो, ज़्यादा चावल वो ऐड करने चाहिए। तो ये जी देखिए चीज़ पिघल गई है, अब जी हो गया रेडी, इसको हम चूल्हा बंद करते हैं, और साथ जी ये हो गया नाश्ता रेडी। ये जी हो गया चीज़ ऑमलेट, और ये हो गया पराठा, और ये देसी घी का, प्लीज़ मेरी बेटी को मत बताइएगा, वो देसी घी का पराठा बिल्कुल नहीं खाती, उसका शुभ भी पड़ गया ना देसी घी का, ये तो मेरे पीछे पड़ जाएगी वो। चलें जी अब देखते हैं बाकी का काम होता है दिन में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कौन हो, सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आपको नज़र आ रही होगी वीडियो पे, वीडियो में चिकन का कीमा और चॉपर, तो आप सब सोच गए होंगे या कुछ कबाब बन रहे होंगे, या बन रहा होगा कोफ्ता कुछ। तो जी हाँ जी, ये अब आप कोफ्ता भी बना सकते हैं और कबाब भी बना सकते हैं, तो ये अब आपकी चॉइस पे, कीमा आपके हाथ में आ जाए, जो मर्ज़ी बनाए जी। अच्छा जो मैं बना रही थी कोफ्ते, मैंने सोचा चले आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ, तुम्हारी झटपट दोबारा रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएंगे देखिए जी, हम पहले डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, इसके अलावा इसमें जाएगा जी ज़ीरा 1 टीस्पून, आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं जैसे आपकी चॉइस है। इसके अलावा इसमें जाएगा धनिया, सारे ही घर के मसालों से ये बनेगा, 1 टीस्पून मैंने धनिया डाल दिया, और 1 ही टीस्पून इसमें जाएगा जी ये गर्म मसाला पिसा हुआ। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, इसके अलावा इसमें जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और सॉल्ट हमेशा चीज़ों में पूरा ही अच्छा लगता है, सिवाय अगर आपको बीपी का मसला ना हो तो। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा जी, इसमें अलावा इसमें जाएंगी ये लाल मिर्चें पिसी हुई, और क्या जाएगा इसमें जाएगी काली मिर्चें थोड़ी सी पिसी हुई, तो क्या जाएगा जी, और क्या मैंने बताया था, इसमें जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्चें। तो अब जी हम चॉपर का, हाँ जी ये देखिए ऑलमोस्ट ये हो गया, मैंने तकरीबन 3-4 मिनट भी शायद कम ही होंगे ये मैंने इसको थोड़ा सा चॉप किया। अब इसमें मैं क्या डालूँगी मैं बताती हूँ आपको, इसमें मैं डालूँगी 1 अदद अंडा, ये भी डाल दूँगी बाइंडिंग के लिए, और इसके अलावा मैंने काट के रखी हुई हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने टोकरी में, ताकि इसका प्याज का पानी में सलसा निकलता रहे, वैसे मैंने इसको छान लिया है, 1 अदद मैंने लिया है प्याज मीडियम साइज़ का, 2 हरी मिर्चें, और ये जी है इसमें हरा धनिया, ये देखें बारीक बारीक काटा हुआ है, ये भी इसमें डाल दूँगी एक दफ़ा ताकि दोबारा चॉप हो जाए। इसके अलावा इसमें अंडा भी डाल दूँगी ताकि वो भी इसमें बाइंडिंग का, बाइंडिंग एजेंट होता है ना ये जो अंडा होता है, वैसे तो मैंने अब तक बनाए नहीं टूटे, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन हमेशा इसमें अंडा डालती हूँ ताकि ये ना हो कि कहीं जाके उसमें खुल जाए, आपका सारा काम शाम ना ख़राब हो जाए। तो चलिए जब इसमें अंडा डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें अंडा भी डाल दिया, अब इसको मैं एक दो दफ़ा अच्छी तरह और घुमाऊंगी ताकि अच्छी तरह जो कीमे में अंडा और ये सारा कुछ मिक्स हो जाए। देखिए कीमा मैंने बॉल में निकाल दिया, आप एक कोई भी मेजरिंग स्पून ले लें एक साइज़, जैसे ये तकरीबन कोफ्ते के लिए बिल्कुल ठीक है, इसके आप इतना एक ही साइज़ के लेके इसको गोले बना लें, गोले मतलब कोफ्ते बना लें। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इसको बनाते हुए शेप मसला हो रहा है, तो ऑयल लेके थोड़ा सा, जैसे ये ऑयल है ये किसी प्लेट में थोड़ा सा निकाल लें, और उसके बाद आप इसको हाथ से लगा के इसके बना लें जी कोफ्ते, कोफ्ते बना लें जो शेप आपका दिल चाहे। तो चलिए जी हम आप बनाते हैं और आपको दिखाते हैं।
लीची कोफ्ते बन गए हैं बिल्कुल गोल गोल शेप के। तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको इस पर ऑयल भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने ऑयल हल्का सा हाथ पे लगा के यूज़ किया था। एहतियात बेहतर होती है चीज़ें जैसे ख़राब हो जाए। तो बस ये अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी फ्रिज में और इसके बाद इसका मसाला जी बनाती अब हूँ। बन रहा है मसाला कोफ्तों का। तो ये लीजिए जी, मैंने कोफ्ते को सॉरी प्याज प्याज तकरीबन मैंने 4 अदद लिए हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं थे। अब इसको हल्का फुल्का करेंगे गोल्डन, बहुत डार्क नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि कोफ्ते का होता है कलर या हम कोरमे का कलर होता है वैसे से प्याज हम इसको करेंगे। तो प्याज आए हैं जी इस दफ़ा लाल, तो देखिए लाल प्याज हमारे साथ क्या करते हैं। तो चलिए प्याज गोल्डन करते हैं और आपको दिखाते हैं, और साथ इसमें क्या क्या ऐड करेंगे वो भी दिखाते हैं। साथ साथ इसमें ऐड करेंगे हम एक छोटी सी स्टिक दालचीनी की। इसके अलावा इसमें जाएंगे तकरीबन 4 या 3 अदद जितने भी लौंग, ये देखिए ये लौंग चली गई। इसके अलावा कुछ चली गई इसमें जी काली मिर्चें साबुत, ये रोस्ट हो जाएंगे ना इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा मसाले में। इसके अलावा इसमें 1 अदद बस जाएगा बादियान का फूल, बस 1 अदद, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज ये होगा कि इसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। और बस 1 अदद जाएगा जी इसमें तेज़पात। ठीक, साथ साथ ये चीज़ें रोस्ट होंगी और फ्राई हो जाएंगी मतलब, और साथ प्याज भी होते हैं गोल्डन। तो फिर जी हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। बस फिलहाल इसमें ये मसाले डालेंगे और अब हम इसको ऑयल को करेंगे फ्राई। ये मैंने लिए हैं 4 अदद टमाटर, 2 हरी मिर्चें और ये ब्लेंडिंग जग मैंने पास रखा हुआ है, एक ब्लेंडर। इसके अलावा लहसुन है और अदरक है। तो ये जी मैं दो तीनों चीज़ें इसमें डालूंगी इसमें, और जैसे ही प्याज मोटा मोटा काट के ये टमाटर डाल दूंगी ना ब्लेंडिंग जग में, साथ ही जैसे प्याज गोल्डन होते हैं वो भी इसमें डाल दूंगी फिर ब्लेंड करूंगी। देखिए जी प्याज हो रहा है गोल्डन, फिलहाल जो है ना वो प्याज इतना फील नहीं होता, ये कड़वे भी होते हैं और इतना फील भी नहीं होता कि गोल्डन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन थोड़े थोड़े फील हो रहे हो, जो लाइट पिंक सा है तो वहाँ से फील हो रहा है। बस थोड़ा सा और करेंगे इसको गोल्डन, फिर हम इसको जग में डाल देंगे और फिर दही डालेंगे और साथ इसको ब्लेंड कर लेंगे। जग में सारा कुछ डाल दिया और मैं साथ थोड़ा सा इसमें दही भी डालूंगी, थोड़ा सा मतलब एक आधी प्याली आप डाल लें, बाकी अगर आपको नहीं पसंद दही तो भले आप ना डालें। मुझे ज़ाती तौर पे दही इतना पसंद नहीं है कि मैं इसको, लेकिन मेरी फैमिली में दही वाला जो ग्रेवी पसंद करते हैं, तो लिहाजा इसमें फिर मैं तकरीबन आधी प्याली मैंने छोटी प्याली डाल दी है दही की। तो इसको ब्लेंड करूंगी, दोबारा मैं इसको पैन में डाल लें दूंगी। जी इसमें मैंने अब डाल दिया मसाला, और आजकल टमाटर काफ़ी रेड हैं तो लिहाजा इनका कलर भी देखिए रेड रेड सा ही है, अदरवाइज तो दही डालना है इसका कलर माइल्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन माइल्ड नहीं हुआ क्योंकि टमाटर काफ़ी ज़्यादा रेड है, गुजर जाओ। और दूसरा ये कि हमारे तो तकरीबन टमाटरों का रेट 100 से 120 तक है, आप लोगों के उसमें कितना है, हमारे तो कम हो ही नहीं रहे किसी सूरत भी, मतलब काफ़ी अर्से से पहले आ जाते थे 30 40 50 पे टमाटर, 20 30 पे तो अक्सर आ जाते थे, लेकिन अब जी कुछ नहीं आता, अब तो बहुत ही महंगाई हो गई है। तो बस इसमें स्पाइसेस डालूंगी घर के जितने भी सादे हैं, और फिर इसको थोड़ा ढांपूंगी क्योंकि ताकि छींटे जो है ना ये आस पास इतने ना फैले। बस इसमें चला जाएगा लाल मिर्चें, बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि उसमें भी है कोफ्तों में भी, और सॉल्ट जाएगा, सॉल्ट बाद में भी डाल सकता है, हिसाब से डालिएगा। इसके अलावा जिसमें जाएगी हल्दी, और हल्दी के अलावा इसमें क्या जाएगा, थोड़ा सा जाएगा सूखा धनिया। बस ये टोटल ये मसाले जाएंगे, बाकी मसाले ऑलरेडी इसमें जा चुके हैं, बाद में डालेंगे हरी मिर्चें वगैरह जो भी चीज़ अकॉर्डिंग माई टेस्ट या आपके टेस्ट। तो बस अभी इसको हम भुनाई करेंगे, तो भूनते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ले जी हो गई है भुनाई मसाले की, और मैंने हल्का सा छींटा देकर इसको मतलब थोड़ा सा इसको भूना है। तो अब इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएंगे कोफ्ते, पीछे शोर भी काफ़ी है, ये हो गया है कोफ्ते। कोफ्ते आपने डाल के हलाना नहीं है इसको, और क्योंकि ये फिर टूट जाएंगे, बस हला थोड़ा रखने के बाद इसको ढांप दें, और ढांपने के बाद ये करना है आपने कि फिर थोड़ी देर बाद 10 या 8 मिनट बाद जब आपको लगे कि ये स्टीम में थोड़े से फिक्स हो गए हैं तब आप इनको हलाइएगा, और आपको लग रहा है कि मसाला है और इसमें पानी कम है नीचे जलने का अंदेशा है तो थोड़ा सा पानी भी भले डाल दो, कोई मसला नहीं होगा। तो ये जी हम रखते हैं कोफ्ते, एक कोफ्ते है मेरे ख्याल में तकरीबन 29 से आज बने हैं 30 तक, आप इसे बड़े भी रख सकते हैं छोटे भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो बस जी ये हम रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि और क्या हो रहा, फिर मैं ढांप दूंगी, बस कोफ्ते रखने हैं उसके बाद ढांप दूंगी। ये देखें जितनी जगह बनती है ना तब ऐसे आप इसको रखें, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए ढांपे और फिर इसको हिलाएं। थोड़ी सी मेथी आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, तकरीबन 1 टेबल स्पून डालते हैं, कोई इतना वो नहीं मसला होगा। ये बस तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने मेथी डाल के अब इसको ढांपते हैं, ठीक है। बाकी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो बाद में मैं इसको जब मसाला तैयार हो जाएगा कोफ्ते रेडी हो जाएंगे तब डालूंगी।
ये बस इसको अब ढाँप दिया। लीजिए, मैंने इसको एक बार ऐसे ही पड़े पड़े हिला दिया था, तो अब ये देखें कोफ्ते टूटे नहीं हैं। थोड़ी सी एहतियात चीज़ों में बेहतर होती है, वो आप कर लें। तो ये देखें, बस अब थोड़ा सा इसको भुनूंगी, उसके बाद इसको शोरबा लगा दूंगी। भुनाई थोड़ी सी इसकी ज़रूरी है, क्योंकि ये कोफ्ते हैं वो कच्चे हैं अभी, ठीक हो गया क्योंकि मैंने फ्राई नहीं किए। इसके अलावा थोड़े से मैंने बचा के ये रखे थे, ये मैंने फ्राई करके रख लिए कि चले किसी टाइम और यूज़ हो जाएंगे। तो चले जी, रेडी होते थे, फिर आपको दिखाते हैं उसके साथ क्या होगा। और इसमें थोड़े थोड़े कल पानी ऐड करूँगी और अच्छी तरह भुनाई करनी, क्योंकि कच्चे हैं कोफ्ते। तो बस जितना आपने अपने हिसाब से शोर पर लगाना है आप इसको लगा सकते हैं, और लेकिन इसको पकाना ज़रूरी है। है तो चिकन जल्दी गल जाता है, लेकिन ये कि इसकी जब तक यखनी अंदर नहीं आएगी तब तक इसका टेस्ट मज़ेदार नहीं लगेगा। तो बस इसको हम शोर पर लगाते हैं और जब रेडी होते हैं फिर आपको दिखाते हैं। कोफ्ते हो गया रेडी, और मैंने कहा आप उसके फाइनल लुक भी दिखा दें। अभी चूल्हे पर पड़ा हुआ है, मैंने इसकी चूल्हा बंद कर दिया है। तो ये देखें कोफ्ते, देखें ना फूल भी गए, अगर आप छोटा साइज़ रखेंगे तो वो तब भी गुजारा है। और ये बस मैंने इतना इसका थिक रखा है शोरबा। रोटी सही नहीं, मेरा कोफ्तों की फाइनल शक्ल ये है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। और चले जी, मिलते हैं आपके साथ किसी और रेसिपी में। सल्ली अला हबीबिना, सल्ली अला मुहम्मदिन, सल्ली अला शफीअना, सल्ली अला मुहम्मदिन। हाँ जी, किचन का काम भी साथ हो रहा था, साथ साथ जी हमारा ये लॉन का काम भी हो रहा था। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आई तो कुछ क्यारी हमारी ज़रा अजीब सी बनी हुई, कि आपको नज़र आ रही हो कि लेफ़्ट साइड पे छोटी सी क्यारी बनी हुई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आई क्या किया है लॉन से। राशि से पूछा, राशि ने कहा कि कुछ सब्जियां लगा गए हैं, कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी परेशानी सी हो रही थी। मैं थोड़ा सा नेचर लवर इंसान हूँ, तो मुझे था कि थोड़ा लॉन खूबसूरत हो, लेकिन शायद मैं थोड़ी सी जल्दी कर रही हूँ, ये क्या बात है। बहरहाल चीज़ें थोड़ी सी मेरे अपने हिसाब से चीज़ें मुझे सेट नज़र नहीं आ रही थी। खैर राशि से मैंने कहा, राशि ने कहा चले, अगले दिन राशि ने फिर सारे जितने भी थे हमारे यहाँ के हेड माली हैं, उसके अलावा जूनियर सीनियर सब जो माली थे, राशि को बुलाया, उनसे कहा कि जितना थोड़ा बहुत घर के हिसाब से चेंज हो सकता तो कर दें। खैर जी, उन्होंने क्यारियाँ चेंज कर दी, उन्होंने जो लेमन का पौधा था उसकी जगह बदल दी, क्योंकि लेमन भी इसमें नहीं लग रहा था। असल में जब ये घर बना है उस वक्त तो ये हुआ है ना कि जगह जगह को रेत भी अंदर चली गई है इन पौधों में, इन लॉन में जगह जगह, तो वो जहाँ वहाँ चीज़ों की ग्रोथ नहीं हो रही। तो अब जी खैर, उस दिन उन्होंने कहा कि हम मिट्टी भी चेंज करेंगे, इसके अलावा हम बाकी चीज़ें भी इस कोशिश करें चेंज कर दें। मैं उसे कह रही थी कि थोड़े से फूल और ले आएँ और पेड़ ले आएँ जिसमें थोड़े से फूल लगे। स्पेशली एक मुझे था कि एक मुझे जो बैक लॉन में है वो कोई फ्रूट का मुझे एक छोटा सा पेड़, दरख्त कोई भी लगा दें। तो खैर जी, उनके जो सीनियर जो उनके मतलब मालिक होंगी, मैं और क्या कह सकती हूँ, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह ताला बाजी कुछ ना कुछ हम आपके लॉन में चेंज ले आएंगे। तो जंग में बहुत ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी नहीं, मैं हमेशा एक बात करती हूँ। तो खैर जी, कोशिश उन्होंने की कि ये थोड़ा सा चेंज हो जाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको या तो चेंज होता हुआ दिखाऊंगी या फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो चेंज हो चुका होगा। तो बहरहाल जी, उसके बाद मैंने बाज़ार जाना था, क्योंकि बाज़ार का मुझे काम था, और क्योंकि सना के साथ मेरा प्लान था, सना के साथ मैंने कुछ लेजेस वगैरह लेनी थी, वो लेके भी मैंने घर आना था, और छोटे मोटे काम थे। लेकिन बहरहाल आज का जो रूटीन थी वो ऐसी ही थी, लेकिन मैं थोड़ी सी खुश हो रही थी कि मेरा लॉन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बाकी सारा सामान एक्स्ट्रा मैंने उठवा दिया, मैंने कहा इसकी सफाई करें, क्योंकि जब खातून घर में ना हो तो जो माली होते हैं या कोई भी हो वो वैसे काम कर ही नहीं सकता। तो बहरहाल जी, मैंने तफसील से उनको बताया, तफसील से तो खैर मैंने पहले भी बताया था उनको कि ये चीज़ें कर दें, लेकिन खैर उस दिन सारी आप देखिए कैबिनेट आई हुई थी और जो सफाई सुथरा इन चीज़ों के काम कर रही थी। तो राशिद ने कहा कि चले जी, मेरी बेगम को एक ही शौक है लॉन का, अच्छा लॉन प्यारा हो उस हिसाब से थोड़ा सा सेट कर दें। तो कहने लगे बाजी कुछ चीज़ें ना आपकी स्प्रिंग में आएंगी, उस हिसाब से फिर आपका लॉन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी जगह जगह घर में भी कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ जहाँ हुई उसको भी हम ठीक कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं। मतलब अभी हमारे 2 माह तो हुए हमें घर शिफ्ट हुए हुए, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें रूटीन में चल रही हैं। तो हमारे गमले भी मैं यहाँ मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, गमलों की जगह मैंने राशि से कहा इनकी आप बदल दें। तो कह रहे थे चलो तुम अब बाज़ार का चक्कर लगाओ, उसके बाद जितना जितना होता है मैं फिर इनसे कुछ ना कुछ करवा लूँगा। कुछ दरमियान में खाने की ब्रेक थी, ब्रेक के बाद उन्होंने आना था, कुछ नए गमले भी लेके आने थे, पौधे भी लेके आने थे। तो इसलिए आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। सनक सा मैं बाज़ार गई, लेसिस वगैरह लेनी थी, सलाह ने भी कुछ अपनी कुछ मैंने अपनी लेनी थी, उसके बाद हमारी वापसी थी। तो जी आज के व्लॉग के मतलब ज़रूर बताइएगा, रेसिपी बहुत ज़बरदस्त थी, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोफ्ते सुपर डिलीशियस बने थे, कुछ कोफ्ते तो मैंने सना को दे दिए जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे।
तो मैंने कहा चलो तुम भी खाओ मेरे साथ, क्योंकि सना भी बहुत बिजी होती है, उसके लिए भी कुकिंग का टाइम और इस तरह की चीज़, मैं तो फिर भी ऐसी चीज़ों में टाइम निकाल लेती हूँ, सना थोड़ी सी मेरे से नस्बत ज़्यादा बिजी है। तो बस जी बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, और सना ने उसे मुझे बहुत घुमाया फिराया, और सिर्फ इसी दुकान पर हमने लेसेस नहीं लेनी थी, उसने हमने और भी, हम दर्जियों को भी घूमते रहे और हमने काफ़ी जगह बहरहाल जी जाना था। उसको एक सूट था जो उसने किसी इवेंट पे पहनना था, उसकी वो लेंथ के लिए थोड़ी कॉन्शियस हुई भी थी, लेकिन मैं उसे कहती कि मॉडर्न सूट है, ये ऐसे भी अच्छा लगेगा, और तुम्हारा माशाल्लाह ऐसा है, तुम स्मार्ट से, तुम भी अच्छा लगेगा। तो बार उसने खैर मेरी ये बात मान ली, और लेसेस उसने कोई नहीं ली, उसने कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे उस पर यूँ करती हूँ कि मैं सेम ऐसे ही ड्रेस पहन लूँगी, और उसने पहना भी, उस पर बहुत अच्छा भी लगा। तो चलो जी मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में, नई रेसिपी में और नई किसी चीज़ में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।